और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिजावर से यहां पर एक महिला नक्सली समेत 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर 11 लाख का इनाम भी था। तो बिजावर से बड़ी खबर आपको बता दें, बस्तर आईजी कमिश्नर और बीजापुर कलेक्टर एसपी के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण आज किया है। तो बड़ी खबर बिजावर से आपको बता दें, यहां पर एक महिला समेत 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर 11 लाख का इनाम था। आईजी एसपी के समक्ष इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर एक महिला नक्सली समेत 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर 11 लाख का इनाम भी घोषित था। मार्केट लगता है उसमें जो कांस्टेबल की हत्या। पैसा अंदर में 10,000। इधर देखो सामने कंपनी नंबर 2 में थे ना। कुटरू से जो मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जैसे गुरकापाल या वर्ष 2018 में कुटरू के पास जो एक को बस को ब्लास्ट किए थे, इस तरह की बहुत सारे घटनाओं में कई सारे जो वीकली मार्केट लगता है उसमें जो कांस्टेबल की हत्याएं हुई हैं उसमें ये लोग शामिल थे। परंतु जो शासन की योजनाएं हैं राहत एवं पुनर्वास नीति, और हमारा भी मुख्य उद्देश्य है कि किसी प्रकार से जो संगठन में काम कर रहे हैं और उनको समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए, आज 9 नक्सली समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, इनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और जैसा कि पहले भी मैं कई बार आप लोगों के माध्यम से बता चुका हूँ कि जो शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति और साहस की और शासन की जो अन्य योजनाएं हैं, ये काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं और यहाँ के निवासियों के लाभ के लिए, भले के लिए है।